वेलकम आदाब इस वीडियो पर। दोस्तों, आज हम ब्लैक ताजमहल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सच में ब्लैक ताजमहल है, काला ताजमहल है क्या, इसका राज हम खोलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत से YouTube पर वीडियोस देखे, कुछ में ये बता रहे कि हाँ ब्लैक ताजमहल है, और कुछ में ये बता रहे कि कोई ऐसा ताजमहल नहीं है, बल्कि एक कुछ राज था जिसको, उन सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले वो जो लोग कह रहे हैं कि ब्लैक ताजमहल है और कहाँ है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इंदौर से 180 किलोमीटर दूर बुरहानपुर बोल के एक है, ये मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर बहुत ही जो है 180 किलोमीटर जाने के बाद, बहुत जो है रास्ता सही नहीं है वहाँ पर, तो जाने के बाद वहाँ पर एक ब्लैक ताजमहल है जो मुमताज़ की मौत के बाद बनाया गया, और मुमताज़ की मौत बुरहानपुर में हुई, ये सब जानते हैं। तो बुरहानपुर में इस काले ताजमहल को पहले बनाया गया, क्योंकि अब जो ताजमहल है, सफ़ेद ताजमहल जो 7 अजूबों में शामिल है, तो वो जो ताजमहल है उससे पहले ये ताजमहल बुरहानपुर में बनाया गया, ये कुछ लोग कह रहे हैं। और इसको जो है शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ की याद में बनाया था, इस तरह की बात कह रहे हैं उनकी मौत के बाद। लेकिन असल जो राज है वो ये है कि जब हम सब जानते हैं कि ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ की मोहब्बत में जो है उसकी ख़ब्र को दफनाने के लिए इतना बड़ा ताजमहल बनाया, और उस ताजमहल को 22 साल लगे, और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से उसको बनाया गया, और आज 7 दुनिया के अजूबों में उस ताजमहल भी शामिल है। तो ये जो ब्लैक ताजमहल की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है कि एक यूरोपियन ट्रैवलिंग की एक टीम आई थी, यानी जो है सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए कुछ यूरोपियन के कुछ लोग आए थे। तो उन्होंने एक राज बताया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शाहजहाँ का जो बेटा था औरंगज़ेब, जो उसके बाप का गद्दार था, उसके बाप की बाप से जो है नफ़रत करता था, तो जब शाहजहाँ ने ये वाइट ताजमहल बनाया था और उसकी बीवी को, शाहजहाँ को जो है उसमें दफनाने के लिए उसका मकबरा बनाया, तो उसने भी ये सोचा कि मैं भी इसी ताजमहल के अपोजिट में, इसके सामने जो दरिया बह रही है यमुना, उसके अपोजिट में मैं भी एक अपना एक ख़ुद का एक जो है ताजमहल बनाऊं, और वो सफ़ेद नहीं बल्कि काला होगा। तो ये एक उसके अंदर तमन्ना जगी। तो जैसे ही तमन्ना जगी तो उसका जो बेटा था औरंगज़ेब, उसने अपने बाप को क़ैद कर दिया, और पूरे कई साल क़ैद में रहने के बाद जब उसका बाप जो है जब शाहजहाँ 1666 में जब उसकी डेथ हुई 22 जुलाई को, तो शाहजहाँ की जो तमन्ना थी कि ब्लैक ताजमहल बने, लेकिन उसका बेटा तो नफ़रत में ऐसा चूर हो गया था कि उसको उसी सफ़ेद ताजमहल के बाजू जो है शाहजहाँ को जो है दफनाया गया, उसका मकबरा आज भी वहाँ पर है। और उसकी जो तमन्ना थी कि काला ताजमहल बने, वो उसी कब्र में, उसी की तमन्ना भी उसके साथ दफन हो गई, वहीं पे वो जो है गाड़ दिया गया। लेकिन जो ब्लैक ताजमहल की जो बात की जा रही है कि बुरहानपुर में है, यहाँ है, वहाँ है, ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन वैसा डिज़ाइन है, वैसा जो है एक मॉडल है बुरहानपुर में, जो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है इंदौर से 180 किलोमीटर, वहाँ पर ये आपको, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत से ट्रैवलर्स आते हैं और बाहर से फॉरेनर्स आते हैं और उस ब्लैक ताजमहल को देखते हैं। तो ऐसा कोई ब्लैक ताजमहल है नहीं, और ख़ाली उसके एक उस मॉडल का एक बनाया गया, जिसे छोटा ताजमहल भी बोलते हैं। वैसा तो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का जो शहर है, सिटी है, वहाँ पर भी एक छोटा ताजमहल बोल के है। तो ऐसे बहुत से जो है बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं पुरानी, जो जिसे ब्लैक ताजमहल भी कहा जा रहा, या तो फिर उसको छोटा ताजमहल भी बोल रहे। लेकिन काला ताजमहल जो असल जो बात थी, मैं आपको बताया कि ये औरंगज़ेब जो उसका बेटा था, अगर उसकी उसकी बाप की बात मान लेता था, तो बाप और बेटे की ये जोड़ी और उसकी मोहब्बत अमर हो जाती, जैसा बीवी और जो है शौहर की
जो ताजमहल है आज, उनकी मोहब्बत की निशानी है। अगर बेटा अगर औरंगज़ेब अपने बाप की बात मान लेता था और काला ताजमहल बनाता था, तो इन दोनों की, बाप बेटे की मोहब्बत भी इन दोनों की तरह ऐसे ही अमर हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक जो है ताजमहल, ब्लैक ताजमहल से रिलेटेड आपको जानकारी के लिए एक वीडियो बनाया था। तो आप लोग अगर इस चैनल पर अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियोस बनाऊँ आपको जो है नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कुछ डाउट्स है तो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय।